हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा देवांगन, पुष्पा कुकिंग में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आप लोग के लिए एक और ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। बहुत इजी है इसको बनाने की रेसिपी, आप झटपट अपने किचन में ये बना सकते हैं। चलिए मेरी रेसिपी फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ब्रेड कटलेट। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अंडे और धनिया, इसको रफली चॉप कर लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च और ये है प्याज, 2 बड़े प्याज है, इसको रफली चॉप कर लिया है। ये 5 से 6 ब्रेड है। चलिए हम लोग अब तैयारी करते हैं। नमक, मिर्ची पाउडर और चाट मसाला। सबसे पहले हम अंडे को तोड़ते हैं। चलिए मैंने ये 4 अंडे तोड़ दिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, लाल मिर्च, इसको अच्छे से फेंट देंगे। ये ब्रेड कटलेट बहुत इजी है, इजी तरीके से आप अपने घर में बना सकते हैं। ये अच्छे से इसको फेंट देते हैं। उसके बाद धनिया, मिर्ची, मैं धनिया का मात्रा कुछ ज़्यादा ली हूँ, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब प्याज अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं 1 चम्मच बेसन ले रही हूँ, इसको भी अच्छे से फेंट देते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। ये मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है, इसको गैस में गरम करने के लिए छोड़ दिया है। चलिए इसमें हम लोग ऑयल ग्रीस करते हैं थोड़ा सा। हमारा तवा गरम हो गया है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा चाट मसाला मिला देंगे, 1 चम्मच के करीब। मिक्स कर देंगे। ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बहुत इजी है, जैसे ऑमलेट अलग से बनाते हैं आप ब्रेड के साथ बना सकते हैं। ब्रेड लेंगे, इसको इसमें चारों तरफ ऐसे डुबाएंगे, तवे में डालेंगे। ये हमारा एक तरफ सूख गया है, इसको पलट देते हैं। देखिए मिनटों में हमारा ब्रेड ऑमलेट रेडी हो गया है। चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं, एक बार फिर ऑयल ग्रीस करते हैं। इसी प्रकार से डाल लेते हैं। देखिए कितना इजी है, आप अपने घर में कितना अच्छा बच्चों के लिए तुरंत ब्रेकफास्ट रेडी कर सकते हैं। एकदम मिनटों का काम है, ज़्यादा रेंदी प्रोसेस भी नहीं है ये। चलिए इसी तरीके से हम सारे ब्रेड वैसे बना लेंगे। ये फ्रेंड, ये हमारा ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड कटलेट रेडी हो गया है। इसको बनाने की विधि बहुत ही इजी है, आप अपने घर में बनाइए, देखिए कितना अच्छा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो मेरा मिल सके। और ये ब्रेड ऑमलेट आप ग्रीन चटनी के साथ, सॉस के साथ या गर्मा गर्म चाय के साथ भी खा सकते हैं। थैंक यू।